जैसे आपको पता है कि कल से बाकायदा जो सब इंस्पेक्टर्स इम्तिहानात है, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो मुनक्द किए जा रहे हैं। और खुशकिस्मती हमारी की इस वक्त एसएसबी के सीनियर मेंबर गुलाम हसन शेख साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन्स पे मौजूद है, और मजीद तफसीलात इन इम्तिहानात के हवाले से जानने की हम कोशिश भी करेंगे। गुलाम हसन शेख साहब, आपका खैर मकदम है। हम पहले आपका शुक्रगुजार है कि आपका बिजी शेड्यूल इस वक्त चल रहा है, लेकिन आपने सर ये कुछ मिनट्स हमारे लिए, बल्कि उम्मीदवारों के को मुतला और इन्फॉर्म करने के लिए इस वक्त आपने सर निकाले, ये बड़ी बात है। सर, क्या ताजा तरीन अपडेट है इन इम्तिहानात के हवाले से? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि एसआई के जो एग्जाम है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 7 से नोटिफाई किए थे, वो बिल्कुल 7 से बराबर टाइम शेड्यूल के हिसाब से कंडक्ट हुए हैं। तो बीच में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का एक जजमेंट आया था, उसकी वजह से नाउ को जो एग्जाम होने थे वो हमने टेम्पररली सस्पेंड किए थे, तो वो एग्जाम हमने रिशेड्यूल किया है। तो नाउ के पेपर्स जो हैं वो अब 20 दिसंबर को कंडक्ट किए जाएंगे। तो बाकी जो कल से जो शेड्यूल है, कल से जो 11 से जो शेड्यूल है, वो एज पर शेड्यूल ही एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। उसमें कोई भी किसी किस्म की भी रुकावट नहीं है। तो मैं कैंडिडेट से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अफवाहबाजी पर ध्यान ना दें, वो मेहनत करें, और अपनी मेहनत के बलबूते पर मैं इनको बोर्ड की तरफ से अश्वर करना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी किस्म की गॉड फॉरबिड इरेगुलरिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। 3-tier सिस्टम इज इन प्लेस। और सबसे अहम बात जो है, जो एजेंसी जो ओपन टेंडरिंग में सिलेक्ट हुई है, उस एजेंसी के ऊपर भी पहली बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी लगाई है, ए वेरी वेरी रिप्यूटेड कंपनी, जो कि जो IMF वर्ल्ड बैंक का ऑडिट करती है। तो वो एजेंसी जो है वो प्री एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम एंड पोस्ट एग्जाम सेशन का बाजाबता सॉफ्टवेयर का चेक करता है। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी। आई वॉन्ट टू एश्योर द कैंडिडेट, प्लीज फोकस ऑन यूर हार्ड वर्क, प्लीज डोंट जस्ट गेट कैरीड अवे बाय द नेगेटिविटी दैट हैज बीन जनरेटेड इन सम मीडिया। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बोर्ड जो है, बोर्ड में जो ऑफिसर्स हैं, बोर्ड के मेंबर जो हैं, बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, बोर्ड के सेक्रेटरी जो हैं, वी ऑल आर सीज्ड विद द इशू। इसके अलावा हमने 3-tier सिस्टम सेंटर को देखने के लिए लगाया है, हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑब्जर्वर्स हैं जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां जहां भी हमारे सेंटर्स हैं, इन केस ऑफ कश्मीर आई वुड स्पेसिफिकली टॉक ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स, श्रीनगर, बडगाम एंड बारामूला, जहां पर हमारे सेंटर्स हैं, डीसीज को रिक्वेस्ट हुई है हमारी तरफ से कि जो आईटी ट्रेन है उनको भी ऑब्जर्वर लगाया जाए। हर सेंटर पर एक ऑब्जर्वर डीसी की तरफ से है जो आईटी ट्रेन है, और उसके अलावा उसके ऊपर जो फर्स्ट लेयर है विजिल की, वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अपॉइंट हुए हैं ऑब्जर्वर्स। फिर नीचे हम भी पांच सेंटर्स हर बोर्ड मेंबर के पास भी हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दे आर सीइंग दैट द प्रोसेस कंप्लायंस हर सेंटर पर हो रही है, जो भी एक SOP बना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना है इन एग्जाम्स को ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करने का। तो दैट प्रोसेस कंप्लायंस वी आर ourselves सीइंग, इन एडिशन टू द सिस्टम दैट हैज बीन पुट इन प्लेस बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। शेख साहब, यहाँ पे पूछना चाहूंगा इन इम्तिहानात के हवाले से, हालांकि पहले ही आपने नोटिफाई किया होगा, कोई खास इतला या इन्फॉर्मेशन जो आप कैंडिडेट्स तक पहुंचाना चाहेंगे, उनको क्या साथ लेना होगा एग्जामिनेशन सेंटर्स तक, और ये टाइमिंग क्या रहेगी? देखिए, टाइमिंग जो है, जो फर्स्ट सेशन की टाइमिंग जो है वो
2 घंटे की है, 10 से 12 तक, और सेकंड सेशन की जो टाइमिंग रहती है वो 2:30 से 4:30 तक है। तो कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, जो हमारे कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, उसके दूसरी तरफ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। उसमें लिखा है कि कैंडिडेट जो है वो क्या क्या ला सकता है एग्जाम में और क्या क्या नहीं ला सकता है। अगर वो कोई चीज लाता है अपने साथ, मैंने पहले ही कहा है कि अपार्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी रिव्यू एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स, हमने पहली बार इन एग्जाम्स में जैमर्स भी लगाए हैं, जी ताकि अगर कोई किसी के पास ब्लूटूथ या इस किस्म का कोई इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस हो, उसको ब्लॉक करने के लिए हमें बाजाबता हर सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए जैमर्स लगाए हैं। तो कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो आगे दे रहे हैं, उनको मैं यकीन दहानी कराना चाहूंगा बोर्ड की तरफ से, बराए करम आप मेहनत करें, अफवाहबाजी की तरफ ध्यान न दें। आप सीरियस कैंडिडेट्स जो भी हैं, जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने भी मेहनत की है, पापड़ बेले हैं और अच्छी खासी नॉलेज हासिल की है, वो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जरूर वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी, जहां जहां भी हमारे सेंटर्स हैं। 100% विजिलेंस है बोर्ड की तरफ से, और बोर्ड के अलावा जो मैं बात कर रहा था अभी, इस एजेंसी का जी अर्नेस्ट अर्नेस्ट एंड यंग उस एजेंसी का नाम है, वो एजेंसी इंटरनेशनली रिप्यूटेड है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बोला है कि ये IMF वर्ल्ड बैंक का भी ऑडिट करते हैं, दैट हैज ऑलमोस्ट मोनोपोली थ्रू आउट द वर्ल्ड इन कंडक्टिंग ऑडिट। दैट एजेंसी हैज बीन रोपड इन एज अ थर्ड पार्टी एजेंसी टू सी दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज पर द सेट प्रोसीजर एंड SOP। Thank you very much, Sheikh Saab. You being the senior member of SSB, sir, we are very thankful that you have spared few minutes for candidates who are really much interested in taking up the examination of sub-inspectors. Thank you very much, Sheikh Saab. Thank you. Thank you.